हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पाठशाला डिफेंस में। आज हम लोग बात करेंगे एलसीएम और एससीएफ की, ठीक है। तो आपके मोस्टली क्विज़िक चैप्टर बाकी है, जैसे एलसीएम एससीएफ हो गया, उसके बाद प्रोबेबिलिटी हो गई, तो ये चैप्टर आपके उसमें बाकी हैं, बाकी आपका पूरा कोर्स यहाँ पे कंप्लीट है। तो एलसीएम एससीएफ की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो एलसीएम एससीएफ होता क्या है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी हम आपसे ये कह रहे हैं कि लघुत्तम समापवर्त तक, ठीक है, यानी सबसे छोटी से छोटी संख्या वो क्या कहलाती है, लीस्ट, मतलब सबसे छोटी छोटी संख्या वो क्या कहलाती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी एलसीएम निकालना होता है। एससीएफ क्या होता है, महत्तम समापवर्तक होता है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। तो एलसीएम और एससीएफ निकाले कैसे जाते हैं उनके बारे में अब हम लोग बात करते हैं। तो देखो, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे एलसीएम निकालना, ठीक है, एलसीएम निकालने की अगर हम लोग बात करें कि जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 2, 4 और 8 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो आप देखो क्या होगा, यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ठीक है। तो एलसीएम जो होता है वो बेस यहाँ पे क्या है, देखो 2 है, अगर बेस यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो 2 की जो होता है मैक्सिमम पावर वही क्या कहलाती है हमारे पास, एलसीएम कहलाती है। 2 की जो मैक्सिमम पावर होती है वो क्या कहलाती है, एलसीएम कहलाती है, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे सभी में बेस 2 था, इसलिए 2 की मैक्सिमम पावर आपसे क्या कहलाएगी, एलसीएम, यानी अगर 2, 4 और 8 की एलसीएम की हम लोग बात करेंगे तो वो एलसीएम हो जाएगा हमारे पास कितना, 8 हो जाएगा, ठीक है। अगर देखो अगर आपको अलग अलग डेटा दे रखा हो, जैसे मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि 8, 12 और 15 का हमें एलसीएम बताना है क्या होगा, ठीक है, तो सबसे पहले हमें इनको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लेना है। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, प्राइम नंबर, यानी 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इनमें हमें क्या करना होता है, तोड़ना होता है। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, 2 की पावर 3, इसको हम लोग देखो क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा, 3 की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ये कहलाएगा हमारे पास क्या, 15। अब देखो अब अगर हमें एलसीएम निकालना है तो हम देखो एलसीएम क्या निकालते हैं और कैसे निकालते हैं। एलसीएम हमेशा क्या होता है, जो भी हमारे पास मैक्सिमम पावर होती है, ठीक है, वही हमारे पास क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो आप देखो जैसे 2 की पावर की अगर हम लोग बात करें, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा इंटू, अब यहाँ पे 3, देखो 3 में मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, 3 ही आ रही है, यानी 1 ही आ रहा है। 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 हो जाएगी, तो यही हो जाएगा एलसीएम। सॉल्व कर लेंगे तो 8 + 24 = 25 कितना हो जाएगा, 120, तो 120 हो जाएगा इसका एलसीएम, जो सभी से कट रहा होगा, ठीक है। अब आप देखो जो भी मैंने एलसीएम आया, अब आप इसको अगर डायरेक्ट निकालना हो तो डायरेक्ट निकालने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अभी आपने सॉल्व किया तो 8, 12 और 15 इनका हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम हमारे पास कितना आया, 120 आया। देखो एलसीएम होता क्या है, एलसीएम जो 120 आया है, ठीक है, इसका मतलब 120 जो है वो 8 से भी डिवाइड हो रहा है, 12 से भी डिवाइड हो रहा है और 15 से डिवाइड हो रहा है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल 120 है, ठीक। अब आप कहोगे कि सर 240 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है 240 भी डिवाइड हो सकता है सभी से, लेकिन यहाँ पे बात करी गई है लीस्ट कॉमन मल्टीपल की, एलसीएम की, इसलिए 120 लिया जाएगा। 240 से भी हो सकता है, 480 भी हो सकता है, लेकिन जब लीस्ट की बात आती है इसीलिए कहा गया है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कम से कम, तो वो वैल्यू होगी 120। अब 120 से पहले ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जो इन सभी से डिवाइड होगी, सभी से डिवाइड हो चाहिए। अगर इसको हम डैड करें तो आप डैड ऐसे भी कर सकते हो कि अगर हमें एलसीएम निकालना है 8, 15 और 20 का, तो आप देखोगे कि यहाँ पे ऐसी कौन सी लीस्ट संख्या रखी जाए जो 8, 12, 15 सभी से डिवाइड हो जाए, ठीक है, सभी से परफेक्टली डिवाइड हो चाहिए। तो ऐसी कौन सी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी ऐसी कौन सी कम से कम संख्या रखी जाएगी। तो अब 8 की टेबल पढ़ो, 8 × 1 = 8 हो जाएगा, 2 × 16 हो जाएगा, 1 + 24 हो जाएगा, ठीक है। या अब एक काम किया करें, सबसे बड़ा वाला जो फैक्टर है उसको पढ़ा करेंगे, ठीक है, उसको पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन सी ऐसी कम से कम संख्या है जो दोनों से डिवाइड हो रही है। तो 15 तो नहीं हो रही है, 30 भी नहीं हो रही है, ठीक है, 45 भी नहीं हो रही है, 60 भी नहीं हो रही है, 60 इससे हो रहा है लेकिन इससे नहीं हो रहा है, ठीक है, 75 भी नहीं हो रहा है, ठीक है, उसके बाद 90 भी नहीं होगा, 105 भी नहीं होगा, 120 हो जाएगा जो सभी से होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 120। लेकिन अगर निकालना हो तो आप इस तरीके से ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। तो एलसीएम निकालना सीख गए, यहाँ पे इस टाइप के एलसीएम को कैसे फाइंड करेंगे, ठीक। चलो अब देखो ये तो हो गया बात हमारे पास क्या एलसीएम की, कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन आए तो हम लोग उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब अगर आप देखो आपके पास अगर फ्रैक्शन में आ जाए कि फ्रैक्शन में एलसीएम कैसे निकाला जाता है, फ्रैक्शन में एलसीएम कैसे निकाला जाता है, जैसे अगर हम बात करें 2/3
कॉमा 4/3 कॉमा 3/5। अब आपसे कहा जाए कि इसका एलसीएम बताइए, तो आप सभी लोगों का ध्यान रखिएगा कि फ्रैक्शन यानी क्या होता है, भिन्न। भिन्न का अगर हमें लासा निकालना है तो इसका डायरेक्ट एक तरीका होता है कि अगर आपको भिन्न का लासा निकालना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये बराबर होता है किसके, आप सबसे पहले अंश, जो भी अंश होंगे उनका आप क्या निकालोगे, लासा यानी एलसीएम। अंश का लासा अपॉन क्या हो जाएगा, हर का मासा, यानी हर का हम लोग क्या निकालेंगे, एससीएफ निकालेंगे। ठीक है, ठीक। और उसके बाद अगर आ जाए भिन्न का मासा निकालना, तो भिन्न का मासा मतलब एलसीएम, तो भिन्न का मासा अगर निकालना है तो आप क्या करोगे, अंश का मासा निकालेंगे। अंश का मासा यानी महत्तम समापवर्तक अपॉन में क्या हो जाएगा, हर का लासा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं और इनको हमें समझना है और सॉल्व करना है। ठीक, तो भिन्न का लासा अपॉन भिन्न का मासा, इस तरह। तो जब लासा की बात आएगी तो अंश का लासा, नीचे उसका अपोजिट होगा। जब मासा की बात आएगी तो अंश का मासा, नीचे उसका क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी लोग को, फटाफट बताओ। ठीक, चलो अब देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप एक काम ये समझेंगे कि सबसे पहले इसको सॉल्व करने पहले आप ये समझ लो कि मासा क्या होता है, मासा क्या होता है यानी एससीएफ क्या होता है। एससीएफ देखो क्या होता है, अगर हम बात करें एससीएफ की, तो जैसे अगर हमने कहा कि 3, 5 और 7 का एससीएफ बताइए, 3, 5 और 7 का एससीएफ बताइए तो क्या होगा। तो आप देखो जो भी कॉमन फैक्टर होता है भाई, इसको तो हम लिखेंगे 3 की पावर में, इसको लिखेंगे 5 की पावर में, इसके बाद लिखेंगे 7 की पावर में, लेकिन इन सभी में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इंटू वन कर दो, तो 1 सभी में कॉमन है, तो जो सभी में कॉमन होता है, ठीक है, वो क्या होता है हमारे पास, मासा होता है, यानी क्या हो जाएगा, मासा 1। अगर सभी का बेस समान है, जैसे मैंने आपसे कहा कि 3 का स्क्वायर, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 या 3 की पावर 5, ठीक है, इनमें आप मासा बताओ कि मासा क्या होगा। तो देखो एलसीएम क्या होता था, जो मैक्सिमम पावर होती थी। अगर हम एलसीएम की बात करेंगे तो मैक्सिमम पावर हो जाएगी, लेकिन जब आप एससीएफ की बात करोगे तो जो सबसे मिनिमम पावर होगी, सबसे छोटी, वो होगी हमारे पास एससीएफ, यानी क्या हो जाएगा, 9। तो होगी 9 इन सभी से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारे पास क्या, 9। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा सबसे छोटी पावर, वो हो जाएगा एलसीएफ, मैक्सिमम पावर एलसीएम। और इस टाइप से अगर हमें निकालना हो, अलग अलग दे रखा हो, तो इन सभी में जो कॉमन चीजें होती हैं वो होता है हमारे पास मासा। तो अब आपको अगर हमें ये निकालना है कि 2/3, 4/3 और 3/5 का लासा क्या होगा, तो आप देखो अंश कौन कौन से हैं, 2, 4 और 3। तो अगर हमें इसका लासा निकालना है तो सबसे पहले हमें अंश का लासा निकालना होगा। तो 2, 4, 3 का लासा क्या हो जाएगा, आप देख के बता सकते हो, क्यों इसमें है 2 की पावर 1 आएगी, इसमें कितना आएगा, 2 की पावर स्क्वायर आएगा, इसमें 3 की पावर 1 आएगी। तो 2 की पावर स्क्वायर यानी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी हो जाएगी, 2 की पावर स्क्वायर × 3 की पावर 1, तो 12 हो जाएगा इसका क्या, लासा हो जाएगा। अपॉन मासा अगर हम निकालेंगे 3 और 5 का, तो अभी आपने बताया 1, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी भिन्न का लासा, वो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्लियर हो रहा है सभी को। इसी टाइप से क्वेश्चन आपके में पूछे जाते हैं कि लासा निकालिए, मासा निकालिए। इसके बाद पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बनते हैं, तो उन दोनों की बात करेंगे। सबसे पहले आज हम लोग बात करते हैं कि लासा और मासा निकालना कैसे आता है, चाहे वो पॉइंट में आए चाहे वो फ्रैक्शन में आए। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन आपकी ये रहा, ठीक है, चलो देखो 5, 8 और 10 का लासा ज्ञात करो। आपसे देखो क्या बोल रहा है कि 5, 8 और 10 का लासा हमें ज्ञात करना है। अगर 5, 8, 10 का लासा ज्ञात करना है तो सबसे बड़ा तरीका 5 की पावर 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 8, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 × 5 की पावर 1। तो 5 की पावर 1 हो जाएगा, 2 की मैक्सिमम पावर हो जाएगी, 8×5 कितना हो जाएगा, 40। तो 40 हो जाएगा इसका क्या, लासा। ठीक है, या हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 10। 10 को ऐसे टेबल पढ़ो जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, तो 40 हो जाएगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, 40। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12, 16, 24 और 36 का लघुत्तम समापवर्तक बताना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि 12, 16 और 24 और 36 का लघुत्तम समापवर्तक। तो अब आप देखो क्या कह रहा है, 12, 16, 24 और 36 का, तो 36 सबसे बड़ा है, इसके टेबल पढ़ो। 36 का तो कितना हो गया, 72। 72 सभी से जा रहा है, 12 से भी जा रहा है, 16 से नहीं जा रहा है। ठीक है, 16 से नहीं जा रहा है तो हटे और हटा दो। 36 का कितना होता है, 108। ठीक है, 108 इससे भी जा रहा है, 108 इससे नहीं जाएगा लेकिन। ठीक है, 36 चौको कितना होता है,
चाहते हैं 144, तो अब 144 देखते हैं किस किस से जा रहा है, 12 से भी जा रहा है, 16 से भी जा रहा है, 24 से जा रहा है और 36 से भी जा रहा है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कौन सा हो जाएगा 144। अगर आपको बहुत ज़्यादा टेबल नहीं आती, जैसे मान लो बहुत बड़ी संख्या हो गई टेबल नहीं आती है, तब हमको इसको इस तरह से कर सकते हैं, 2 12 को क्या ले सकते हो, 2 की पावर स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा 3, 16 को क्या लिखोगे 2 की पावर 4, 24 को क्या लिखोगे 2 की पावर 3 इंटू 3, और 36 को क्या लिखोगे 2 की पावर 3 और इंटू कितना हो जाएगा 8, नहीं 2 की पावर कितना हो जाएगा 36, 9 चौक 36, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है ये हो जाएगा। तो अब देखो मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 की पावर 4, 3 में मैक्सिमम पावर कितनी है 2 का स्क्वायर, बस यही आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा 9, यानी 144 आ गया। आंसर कौन सा हो जाएगा 144, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो आप सभी के सामने दे रखा है कि 4/25, ठीक 4/25, 6/25 तथा 8/15 का लासा ज्ञात करो। आप देखो वही चीज आ गई यहाँ पास फ्रैक्शन में, 4/25 और कितना बोला, सॉरी 4/5, 4/5 और कितना है 6/25 है, 4/5, 6/25 और 8/15 का हमें क्या करना है, लासा ज्ञात करना है। तो आप देखो क्या करोगे, सबसे पहले अगर हमें इसका लासा ज्ञात करना है तो आप सभी को पता है कि अंश का हमें क्या निकालना होगा, लासा निकालना होगा। तो 4, 6 और 8, 8 का सबसे बड़ी टेबल पढ़ो, 16 नहीं जाएगा 24, 24 चला जाएगा, नहीं 24 हो जाएगा यहाँ पे सबसे कम वाला, ठीक है। अब इसका हमें लासा मासा निकालना पड़ेगा, तो देखो 5, 25 और 15 का, तो सबसे छोटी संख्या 5 है, तो इससे भी जा रही है और इससे भी जा रही है, तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, तो आंसर कौन सा हो जाएगा 24/5, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए, बोलो क्लियर हो रहा है, ठीक। चलो आगे बढ़ लेते हैं, अब देखो यहाँ पे इस टाइप से आ गया जिसमें बेस क्या है, समान है, जो अभी मैंने आपको बताया था कि आपसे ये पूछा गया है 2 का स्क्वायर, 2 की 3, 2 की 5 का लासा ज्ञात करो। तो बहुत बढ़िया तरीका है, लासा ज्ञात करना है तो सबसे मैक्सिमम पावर हो जाती है 2 की पावर 10, जिसकी पावर सबसे ज्यादा होगी वही लासा हो जाएगा। आगे बढ़ो, कह रहा है लासा ज्ञात करो इसमें, तो आप देखो किसकी पावर बड़ी होगी, क्योंकि ये सभी माइनस में है, तो माइनस में वो संख्या बड़ी होती है जो छोटी होती है, इसका मतलब इसका आंसर जो होगा वो कितना होगा 3 की पावर -2 होगा, यानी क्या आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 5 के स्क्वायर का लासा ज्ञात करना है। तो अब आप देखो क्या कह रहा है, 2 की पावर 3 कह रहा है और 3 की पावर 4 कह रहा है, 5 का स्क्वायर कह रहा है, सभी अलग अलग हैं, तो इन्हीं का मल्टीप्लाई कर दो, बस यही आंसर हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 81 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 8 200 200 * 81 क्या हो जाएगा, 2 * 2 * 2 = 16, यानी 16,200 ये हो जाएगा आंसर, आ रहा है बिल्कुल सही है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 की पावर -2 तथा 3 की पावर -2 का लासा ज्ञात करना है। अब आप समझो 2 की पावर -2 और 3 की पावर -2 का अगर हम लासा ज्ञात करेंगे, तो 2 की पावर -2 है और 3 की पावर -2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/3 का स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी 1/4, ये वैल्यू हो जाएगी 1/9। अगर हमें इसका लासा निकालना है, तो अब देखो ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू आ गई, 1/4 और 1/9 का हमें क्या निकालना है लासा, तो इसका मतलब लासा निकालना है तो अंश का हमें लासा निकालना होगा, अंश का लासा तो एक ही होगा, ठीक है, और हर का हमें क्या निकालना होगा मासा निकालना होगा। तो जब मासा निकालोगे आप इसका, तो 2 का स्क्वायर है यहाँ, 3 का कितना स्क्वायर है, इसका मतलब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इंटू 1 हो जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 1 1, यानी आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्लियर हो रहा है सभी को। चलो आगे बढ़ लेते हैं, 24, 56 तथा 96 का मासा ज्ञात करना है। अब आप देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 24, 56 और ये किसका भाग करना है, 96 का मासा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 24 उसके बाद कितना कह रहा है 56 और कितना कह रहा है 96। अब हमें मासा बताना है, तो देखो मासा क्या होगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 8 * 3 लिख सकते हैं, मतलब ये लिख सकते हैं 2 की पावर 3 * 3, ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं 8 * 7 लिख सकते हैं, यानी 2 की पावर 3 * 7, इसको हम क्या लिख सकते हैं 12 * 8 = 96 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर * 3 = 12 और 2 * 2 = 4 * 8, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, ठीक है, 2 * 2 = 4 = 12, 2 * 2 = 12 * 8 = 96 हो जाएगा। तो 2 की पावर 5 * 3, 2 की पावर 5 कितना होता है 32 * 3 = 96, तो ये इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 * 3। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि मासा अगर हमें निकालना है, तो मासा अगर हमें निकालना होता है तो मासा क्या होता है, मासा वो होता है जो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जो सबसे छोटी संख्या होगी मासा में और जो कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो अगर हम लोग मासा की बात करें, ठीक है, तो आप देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक,
तो देखो, 2 की पावर 3 इधर है, इधर 2 की पावर भी 3 है, और इधर 2 की पावर भी क्या हो जाएगा, 5 है। तो जो सभी में कॉमन फैक्टर हो जाएगा, तो 2 की पावर सब कॉमन फैक्टर सबसे कम वाला, 2 की पावर 3 इधर भी है, 2 की पावर 3 इधर भी हो जाएगा, 2 की पावर 3 इधर भी हो जाएगा, तो 2 की पावर 3 यानी 8 क्या हो जाएगा, इसका मासा हो जाएगा। अब 8 देखो सभी से जा रहा होगा, 8 + 24, 8 × 56, 12 × 96, तो इसका मासा निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी सी। तो जो सभी में कॉमन होगा और सबसे छोटी पावर होगी वही होगा हमारे पास क्या, मासा। ठीक है, चलो बोलो क्लियर हो रहा है सभी को, चलो आगे बढ़ लेते हैं। अगला देखते हैं 36, 64 और 144 का मासा ज्ञात करना है। सेम इसी तरह यहाँ पे भी हो जाएगा, 36, 64 और 144। तो आप देखो क्या कह रहा है, 36, 64 और 144 का हमें मासा ज्ञात करना है। तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि ऑप्शन वाइज भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसी कौन सी संख्या है कि हाईएस्ट कॉमन में जो सभी से डिवाइड हो रही है। अगर हम लोग 8 को लेते हैं तो 8 × 9 = 32 इससे नहीं जाएगा, 8 बेकार हो गया, 10 तो नहीं जा सकता, 6 से लेते हैं तो 6 × 36, 6 से नहीं जाएगा, नहीं कौन बचेगा, 4 से सभी से चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा इसका मासा, 4 हो जाएगा। चलो देख लेते हैं क्या हो जाएगा इसका मासा। 36 को हम लोग लिख सकते हैं 12 × 36, यानी 2 × 4 = 2, 2 × 4 ठीक है, 12 × 2² × 3 × 3 यानी 2 का स्क्वायर ठीक है, × 3 का स्क्वायर, 4 × 9 = 36 हो जाएगा। 64 को हम लोग लिख सकते हैं 32 × 64, 2 की पावर 6 हो जाएगा, 64 2 की पावर 5 = 32 हो गया 64। अगर 144 की बात करें तो 144 हो जाएगा 16 × 144, यानी 3 का तो स्क्वायर हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा 16, 2 की पावर 2 × 8 × 8 × 2 × 4 × 8 × 16 हो जाएगा। अब देखो सभी में कॉमन क्वेश्चन कौन सा है, 2 का स्क्वायर यहाँ पे भी है, 2 का स्क्वायर यहाँ पे भी है, 2 का स्क्वायर यहाँ पे भी हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था 4 ही आएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब देखो 1.6, 0.32 ठीक है, 1.6, 0.32 और उसके बाद कह रहा है कि 0.064 का मासा ज्ञात करना है। मासा में ज्ञात करना है यानी कॉमन क्वेश्चन ज्ञात करना है। तो आप देखो 1.6 को हम क्या लिख सकते हैं, 16/10 लिख सकते हैं, बोलो क्लियर है। ठीक है, 0.32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 32/100 लिख सकते हैं, और 0.064 को हम लिख सकते हैं 64/1000। अगर इसका हमें मासा निकालना है तो अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी भिन्न का अगर मासा निकालना होता है तो आपके अंश का क्या निकालना होगा, मासा। तो अगर अंश का हमें मासा निकालना है, ठीक है, अंश का हमें अगर मासा निकालना है तो देखो मासा क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 ठीक है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। तो इसका हमें मासा निकालना है तो सबसे कॉमन क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा जो सभी में है, 2 की पावर 4 इसमें भी है, 2 की पावर 4 इसमें भी है, तो ये हो जाएगा 16 हो जाएगा, बोलो क्लियर हो रहे हैं, 16 इसका मासा हो गया। ठीक, अब आपसे कह रहा है कि इसका तो मासा आ गया, निकलने हर वाले का क्या हो जाएगा, लासा। तो इसका लासा निकालो, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 1000, सॉल्व कर लो 0.016 ठीक है, यही हो जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ए हो जाएगा यहाँ पे आंसर, क्लियर हो रहा है, चलो आगे बढ़ लेते हैं। अगला कह रहा है 2/3, 5/7 और 3/12 का मासा ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको बताया। तो अगर फ्रैक्शन का मासा निकालना है तो न्यूमरेटर यानी अंश का हमें मासा निकालना होगा, 2, 5, 3 का मासा सभी में अलग अलग है तो 1 हो जाएगा, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, और लासा 7, 3 और 12 का लासा, ठीक है, तो 12 से टेबल पढ़ो तो 12 × 12 = 24 तो होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद 36 7 से नहीं जाएगा, 48 नहीं जाएगा, 60 भी नहीं जाएगा, 72 भी नहीं जाएगा, 84 से भी चला जाएगा, तो 1/84 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं। अगला देखो क्या कह रहा है कि इसका मासा ज्ञात करो। तो अभी मैंने आपको बताया कि लासा में क्या होता है, सबसे हाईएस्ट पावर होती है, लेकिन मासा में क्या होता है, सबसे लोएस्ट पावर होती है। अगर बेस सेम है तो सबसे लोएस्ट पावर कौन सी है इसकी, 4, 5, 6 और 8 दे रखा है, तो सबसे लोएस्ट पावर है यहाँ पे 4, तो 3 की पावर 4 हो जाएगा इसका मासा हो जाएगा। ठीक है, चलो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, आगे देख लेते हैं। अगला देखो क्या कह रहा है, 8 की पावर -2, 8 की पावर -5, 8 की पावर -9, 8 की पावर। अब देखो माइनस में वो संख्या बड़ी होती है जो छोटी होती है, तो इसका मतलब जो बड़ा है वो तो लासा हो जाएगा, तो इसका मतलब 8 की पावर -2 तो लासा हो गया, लेकिन मासा अगर निकालना है, ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या देखी जाएगी माइनस में कौन सी है, तो 8 की पावर -11 तो वही हो जाएगा इसका मासा, 8 की पावर -11 यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ लेते हैं।
14 कह रहा है कि 2 की पावर स्क्वायर 3 की पावर 4 तथा 5 की पावर 3 का मासा ज्ञात करो। तो भाई देखो सभी में कोई कॉमन पोर्शन फैक्टर नहीं है, तो एक हो जाएगा इसका मासा। जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो एक हो जाता है इसका मासा, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा, एक हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला देख लेते हैं। 5, 8, 10 का लासा ज्ञात करिए। अगर 5, 8, 10 का हमें लासा निकालना है, चलो ये तो पहला वाला क्वेश्चन आ गया, यानी 14 ही क्वेश्चन थे आप सभी के सामने, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये था हमारे पास लासा और मासा, जो मैंने आपको बताया था बेसिक डिटेल से, जो आपके में पूछा जाता है। इसके बाद हम लोग चलेंगे LCMSF के सेकंड पार्ट पे, और वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जब इस पे मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन आते हैं, यानी एक का लासा एक का मासा का गुणनफल दे रखा हो, यानी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं तो कैसे किया जाता है, कैसे अलग अलग तरह से इसमें लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में हम लोग चलेंगे बाद में, आज के लिए इतना ही। और ये सेकंड पार्ट होने के बाद फिर आपका LCMSF यहाँ पे खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे प्रोबेबिलिटी पे, ठीक। उसके बाद आपका चैप्टर क्लोज, के बाद फिर आपका मॉक टेस्ट की होगी, जो भी ग्रुप वाई में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो आज के लिए इतने रखते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, बने रहिए पार्ट्स ऑफ डिफेंस के साथ। थैंक यू।